गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर एकेडमी में। आज हम आपके लिए ले गए हैं यहाँ पर JMI एडमिशन 2020-21 और 22। जामिया ने एडमिशन के लिए लॉन्च किया प्रोस्पेक्टस और 4 नए विभाग खोले और 8 कोर्सेज किए शुरू, यानी कि 4 नए विभाग खोले हैं और 8 नए कोर्स शुरू किए हैं जो जामिया के अंदर पहले नहीं होते थे, लेकिन अब जामिया के अंदर वो कोर्सेज किए जाएंगे। तो पूरी जानकारी हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। अगर आपको ये पूरी वीडियो देखें, ताकि अगर आपको इन कोर्सेज के बारे में जानना है तो पूरी वीडियो आपको यहाँ पर देखनी चाहिए, ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलिए हम यहाँ पर शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले हम आपको कहना चाहते हैं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की अपडेशन साथ के साथ में मिलते रहे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ NDTV के माध्यम से हम यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दे रहे हैं। तो यहाँ पर ये आपके लिए इन्फॉर्मेशन है। तो सबसे पहले JMI एडमिशन 2020-21-22 जामिया मिलिया इस्लामिया ने 2020-21 शैक्षणिक सत्र के लिए स्नातक, यानी कि जो ग्रेजुएशन होती है स्नातकोत्तर, PG जो होती है BTech, बी आर्किटेक्ट डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा, स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रमों के लिए एडमिशन ब्रोचर जारी कर दिया है। तो ये जारी कर दिया है और ये रिटर्न बाई नेहा फरहीन के की जो है ये द्वारा लिखा गया है NDTV के। और यहाँ पर न्यू दिल्ली जामिया में जो एडमिशन है तो वो किस हिसाब से, यानी कि अब होंगे। मिलिया जामिया मिलिया इस्लामिया ने 2020-21-22 शैक्षणिक सत्र के लिए स्नातक, स्नातकोत्तर, BTech, बी आर्किटेक्ट डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा, स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रमों के लिए एडमिशन ब्रोचर जारी कर दिया है। इसके अलावा जामिया ने 2020-21-22 सत्र के लिए 8 नए प्रोग्राम और 4 नए विभाग भी शुरू किए हैं। तो पहले यहाँ नए विभाग, 4 नए विभाग जो लॉन्च किए हैं वो हैं, नंबर 1 डिपार्टमेंट ऑफ डिज़ाइन एंड इनोवेशन, दूसरा है डिपार्टमेंट ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट एंड हॉस्पिस स्टडी, तीसरा है डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन लैंग्वेज, चौथा डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल साइंस। तो ये 4 विभाग जामिया मिलिया ने इस साल से शुरू किए हैं। और यहाँ पर कोर्सेज कौन कौन शुरू किए हैं वो यहाँ पर हैं। छात्र नए पाठ्यक्रमों और एडमिशन प्रोस्पेक्टस के बारे में जानकारी के लिए विश्वविद्यालय की वेबसाइट जो है jmi.ac.in पर और परीक्षा नियंत्रक के पोर्टल jmicoe.in पर जा सकते हैं और पूरी जानकारी वहां पर ले सकते हैं। आगे यहां पर JMI एडमिशन 2020-21 में ये नए कोर्सेज, नंबर 1 मास्टर ऑफ डिज़ाइन इन फैकल्टी ऑफ आर्किटेक्चर, ये नया कोर्स का पहला कोर्स है। दूसरा BA ऑनर्स, यानी कि फ्रेंच एंड फ्रांसकोफोन स्टडी इन सेंटर ऑफ स्पेनिश एंड लैटिन अमेरिकन स्टडी। तीसरा है BA ऑनर्स, यानी कि स्पेनिश एंड लैटिन अमेरिकन स्टडी इन सेंटर ऑफ स्पेनिश एंड लैटिन अमेरिकन स्टडी। चौथा है MSA एनवायरमेंटल साइंस एंड मैनेजमेंट। पांचवा है MA मास मीडिया हिंदी मीडियम में इन डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी। PG डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन स्टडी इन डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश। अगला है PG डिप्लोमा इन इंग्लिश हिंदी ट्रांसलेशन इन डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी। और अगला है MBA हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट। तो इसमें ये 4-8 जो है नए कोर्सेज यहाँ पर शुरू किए गए हैं जामिया मिलिया के द्वारा। जामिया ने अपने बयान में कहा है कि एडमिशन के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 30 जून तक जमा किए जा सकते हैं। कब तक? 30 जून तक। इसके बाद 1 जुलाई से 5 जुलाई तक छात्र अपने एप्लीकेशन फॉर्म में सुधार भी कर सकते हैं। जो आप एप्लीकेशन फॉर्म देंगे अगर कोई गलती हो जाती है तो 1 जुलाई से 5 जुलाई तक आप उनको सुधार भी कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी 134 कोर्सेज के लिए एंट्रेंस टेस्ट आयोजित करेगी। एंट्रेंस परीक्षा 26 जुलाई से 28 अगस्त तक आयोजित की जाएगी, यानी कि 26 जुलाई से 28 अगस्त के बीच में आयोजित की जाएगी, जिनके लिए एडमिट कार्ड 15 जुलाई से
जारी होंगे। तो मुझे लगता है कि सभी बच्चों को ये इन्फॉर्मेशन मिल गई है, और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। उसके साथ में अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की अपडेशन साथ के साथ में मिलती रहे। तो आप सभी बच्चों का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और आप सभी बच्चे इस कोरोना वायरस महामारी के दौरान में सुरक्षित रहें और घर पर रहें। तो सभी बच्चों का फिर से मैं धन्यवाद करता हूँ।